मेरा नाम दीपक है, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे गांव 2017 में मई महीने की है, जब प्रचंड गर्मी पड़ी थी। उस समय सबके सर पर आईपीएल का खुमार चढ़ा रहता है। मैं भी आईपीएल देखकर लगभग रात 12 बजे सोने वाला था, लेकिन गर्मी के कारण मैं अकेला छत पर खटिया लेकर सोने चला गया। इतनी गर्मी थी कि नींद भी जल्दी नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं सो पाया था। रात को लगभग 2 बजे मुझे कुछ रोने की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कोई बच्चा रो रहा होगा, इसीलिए पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैं पूरी तरह जाग गया, मुझे आवाज थोड़ी जोर से सुनाई देने लगी, और तभी मैंने गौर से सुना तो वो आवाज किसी बच्चे की नहीं लग रही थी, वो आवाज किसी महिला की लग रही थी। फिर मैंने उठकर देखने की सोची। अंधेरा होने के कारण मुझे मेरा मोबाइल मिल नहीं रहा था। कुछ देर अंधेरे में हाथ फेरने के बाद मुझे खटिया के नीचे मोबाइल मिल गया, जो कि खटिया के नीचे गिर गया था। मैं उस रोने की आवाज सुनकर काफी डर रहा था। मेरा घर थोड़ा गांव के बाहर की तरफ है और आसपास बहुत सारे घनी झाड़ियां हैं। चारों तरफ काफी अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी मैंने मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर उन झाड़ियों की तरफ देखने की कोशिश की तो मुझे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जितना कुछ भी दिखाई दे रहा था वो काफी डरावना था। मैंने देखा कि एक भयानक चेहरे वाली डरावनी औरत सफेद साड़ी में पेड़ की डाली पर बैठकर रोने की आवाज कर रही थी। मेरी धड़कन काफी जोर से धड़क रही थी। उसने जैसे ही मुझे देखा वो मेरी तरफ घूरने लगी। उस समय डर के कारण मेरी हालत काफी खराब हो चुकी थी। फिर मैं तेजी से नीचे अपने रूम की तरफ भागा और अपने रूम में जाकर दरवाजा और सारी खिड़की बंद कर दी। फिर भी मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। दूसरे रूम जाके अपने मम्मी पापा को भी बुलाने का साहस मुझ में नहीं था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और ऊपर से इतनी गर्मी। पूरी रात जागने के बाद सुबह सुबह मैं कब सो गया पता भी नहीं चला। फिर लगभग 8 बजे दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। जब मेरी नींद खुली तो रूम में अंधेरा था, क्योंकि रात को मैंने सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए थे। जब मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर मेरी मम्मी थी। मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा, आज इतनी लेट तक सो रहे हो? मैंने सारे घर वालों को बीती रात की घटना के बारे में बताया तो मेरे पिताजी ने बताया कि वहां पर इस तरह की आवाज उन्होंने भी बहुत बार सुनी है और कई बार उन्होंने उस डरावनी औरत को देखा भी है। आज उस बात को 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उस रात को मैं नहीं भूल पाया हूँ और उस दिन से मैं छत पर भी नहीं सोता हूँ। ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। ऐसी और भी डरावनी कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।